उसको सजा मिली थी फलातू को, उसको एक आए थे तट पे अंदर, वहाँ से उसने पतंग बनाई रस्सी, ये जो वहाँ से है ना, ये होते हैं पैंट गज बोलते हैं, ये ऊपर वाली साइड की जो कमानी होती है इसको बोलते हैं नर। 12 प्लाई, ये 12 प्लाई है पेंडा गोल्ड की, ये देखिए। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम पंजाब गाइस, और पंजाब का पहला पहला दिन, और आते ही सबसे पहली जो शॉप हमारे सामने आई थी वो आई थी हमारी भोला शाह। बहुत ही मतलब अगर मैं देखूँ, मैं जैसे मैंने शॉप पे देखा और शॉप पे देखती मुझे बहुत प्यारी प्यारी पतंगें दिखी, और जब मैं अंदर गया तो देखने को मिला कि भैया यहाँ पे खुद पतंग बनाते भी हैं। तो कुछ इस तरीके से एंट्रेंस देखी भोला शाह काइट मेकर, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, दीपक भाई का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा फोकस करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर बरेली की मशहूर डोर गुड़िया और पतंगें मिलती हैं। तो चलते हैं भोला भाई के पास, दिखाते हैं क्या क्या कलेक्शन है उनके पास। एक आपको थोड़ा सा गोथू देते हैं यहाँ पे पहले, अंदर जाने से पहले कुछ इस तरीके से शॉप का जो फ्रंट आता है वो इस तरीके से देखे, बड़ी बड़ी पतंगें यहाँ पे लगी हुई हैं, थोड़ा सा धूप है यहाँ पे। अंदर चलेंगे थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर अंकल के पास चलेंगे, पूरा जानेंगे और आज आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कुछ पंजाब की पतंगबाजी के बारे में। एंट्रेंस पे आप देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं अपने कमान ठड्डे जो हमारे बांस के होते हैं, और कुछ इस तरीके से शॉप की एंट्रेंस रहती है ये, इसको जिसको तुक्कल बोलते हैं, जानेंगे इसको तुक्कल क्यों बोलते हैं और कैसे इसका यहाँ पे पंजाब में क्या कैसे इसकी पतंगबाजी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बड़ी पतंगें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, और सबसे अच्छी बात है कि बड़ी कलरफुल सी रहती है ये पतंगें, मतलब कुछ झंडे बने हुए हैं किसी देश के, कुछ यहाँ पे देखिए चांद तारे बने हुए हैं, तो काफ़ी रंग बिरंगी पतंगें हैं ये अगर देखी जाए तो। देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं यहाँ पे, बहुत ही अल्टीमेट, और ये बड़ी बड़ी इनका साइज़ चेक करिए कितने साइज़ की हैं, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हैंग हुआ हुआ है, और ये देखिए बहुत ही बड़ी पतंग यहाँ पे, और तुक्कल भी देखिए बड़े बड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, ये प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ कवर करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी पतंगें हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप। और सबसे जो चीज़ लगी थी मुझे, अभी अभी अंकल के पास चलेंगे और देखिए यहाँ पे कुछ करते हैं, ये देखिए पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ हाथ से पेंट किया हुआ है, पूरा जानेंगे अंकल से इस बारे में। और पतंगें देखिए, मतलब पूरा एक शॉप का गो थ्रू हो गया। अब चलते हैं अंकल के पास और जानेंगे अंकल से इस शॉप के बारे में, कब से वो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पूछेंगे पतंगबाजी के बारे में, और कौन कौन से पतंगे, क्या क्या साइज़ है, और कौन कौन से मांझे हैं, और क्या क्या तैयारी है हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के लिए। चलते हैं शॉप के ओनर के पास और पूछते हैं कुछ उनके बारे में, जानते हैं पंजाब की हिस्ट्री के बारे में, पंजाब काइट फ्लाइंग के बारे में। ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने भी ऐसी पतंगें नहीं उड़ाई आज तक, जो भी हमने करी है ग्राउंड की, जो भी छत हुई करी है वो अलग है, तो ये कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। और सबसे पहले पहले हम कवर कर रहे हैं भोला शाह शॉप को, तो मिलते हैं सर। सर आपका नाम? दीपक। तो दीपक भैया सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें, और बहुत अच्छा लगा इतनी बड़ी बड़ी पतंगें देख के, खाली वीडियोस में देखी थी, आज लाइव देख रहा हूँ तो मज़ा आ रहा देखने का। तो कब से अपनी शॉप ये वाली? ये सर हमारी शॉप जो है, पहले हम करते थे घर पे काम करते थे अपने, ओके, पापा का ये बिजनेस था हमारे, पापा को शौक था, उन्होंने बिजनेस बना लिया इनको, सर 71 में ये काम हुआ था, पापा ने शुरू करा था 1971 में। बहुत मतलब अगर बात करें तो बहुत पहले से काम शुरू हुआ हुआ ये वाला। जी जी जी, तो जी, जी। अंकल जी भी पतंग बनाते थे? जी पापा पतंग बनाते थे, उनको शौक था, उन्होंने पतंग बनाना भी सीख लिया। अरे वाह, तो उसके बाद फिर आप भी पतंग बनाना अपने पापा से सीखे कि आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पापा से ही काम सीखा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों 1971 से ये शॉप है, मतलब अंकल जी पहले करते थे, अब भैया दीपक भैया संभालते पूरा काम, खुद पतंग बना, देखिए आप पतंगे बना रहे हैं, ये डोरी पत्ते का काम चल रहा है, तो भैया पूरा काम खुद करते हैं, कटिंग से लेके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो सिंपल प्लेन शीट आती है, ओके, ये जो डिजाइनिंग वगैरह पड़ती है हम सिर्फ अपने हाथ से काट के सारी प्लेन शीट की फिर डिजाइनिंग होती है। सर आप खुद करते हैं? तो कमान ठड्डा भी आप खुद लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं थोड़ा सा, आपने देखा कि दिल्ली की या लखनऊ की या जयपुर की जो पतंगें होती हैं और जो ये पतंगें हैं उनमें क्या अंतर है? कमान ठड्डे देखो वैसी सेट है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है? उनकी जो पतंग होती है ना, उनकी पतंग थोड़ी लंबी होती है, लेकिन वहाँ पे जो पतंग उड़ती है मजोली की अद्धे की और पौने की उड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम जो है, ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टार्ट ये पौने का है। ओके, तो ये पौना है हमारे यहाँ, ये हमारे पौना है जो हम ये बनाते हैं। क्या बात है, ये देखिए ये दोस्तों पौना है ये, तो ये हमारे स्टैंप है भोला शाह गाइड मेकर, मैं भी स्टैंप पे दिखाना चाहूँगा ये वाला, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, देखिए मैं पूरा एड्रेस दूंगा, पूरा फ़ोन नंबर दूंगा। तो आपके यहाँ मतलब अगर ये पंजाब में जो स्टार्ट होती है वो पौने से स्टार्ट होती है, छोटी पतंगें नहीं होती पंजाब? नहीं, पतंगें छोटी होती हैं लेकिन वो बच्चा आइटम के लिए होती है ना, बच्चों के लिए होती है वहाँ पे, हमारे भी यहाँ पे डाई वाली मजोली
आदि आती है, सभी पतंगे। अच्छा, बाहर से आती है वो? जी जी, वो सारी पतंगे आती है रामपुर से। ओके, तो वो अपना वही रामपुर से आता है, लेकिन जो खुद की मेकिंग है यहाँ पे पौनी से स्टार्ट होती है। पौनी से स्टार्ट होती है यहाँ पे। ओके, और इसमें कमान ठंडे से, हमारे में कमान ठंडा थोड़ा सा लगता है कि ऊपर से पतला होता है, नीचे चौड़ा होता है, तो यहाँ पे कैसे किया जाता है कमान ठंडे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि मोटा ठड्डा जो भी है, हमें ठड्डे के अकॉर्डिंग कमानी चढ़ाते हैं। अगर ठड्डा नरम होगा तो कमानी भी नरम ही चढ़ाएंगे हम, क्योंकि अगर कमानी टाइट होगी, ठड्डा नरम होगा, वो पतंग ऐसे ऐसे करेगी, उड़ेगी नहीं सही ढंग से। क्या बात है। तो पंजाब में बड़ी पतंगों का कैसे मतलब ये शुरू हुआ? सर, ये जो आपको मैं ये पतंग दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि तीन बाय तीन की है ये। तीन बाय तीन बोले तो आपका कितना? तीन तावा हो गया। ठीक है, ये पतंग सिर्फ पंजाब में उड़ती है। तो यहाँ पाकिस्तान में? या पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अमृतसर से भी ज़्यादा शौक है वहाँ पे। ये तो कुछ भी नहीं है, वो 12x12 का, 15x15 का, इतनी बड़ी पतंगे, वो तुक्कल उड़ाते हैं ज़्यादातर, उनको तुक्कल का शौक ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, तुक्कल देखिए ये होती है, तुक्कल देखिए यहाँ पे। तो तुक्कल की क्या मेकिंग है, तुक्कल का ये मेकिंग डिज़ाइन कैसे आया ये वाला? तुक्कल सर ये जो है ना, ये पाकिस्तान से नहीं निकला, ये एक फलातू था जिसको हुई थी, ये पतंग की जो निकाली हुई है ना कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से ये शुरू हुआ, उसको सजा मिली थी फलातू को। Okay. उसको एक समुंदर के किनारे उसको छोड़ आए थे तट पे अंदर, वहाँ से उसने पतंग बनाई, रस्सी वहाँ पेड़ काट के उसने रस्सी सारी बनाई, हवा तेज हुई, वो पतंग इतनी बड़ी पतंग थी, वो उसको उठा कर ले गई, वहाँ से ये शुरू हुआ पतंगबाजी का शौक। क्या बात है। तो मुझे ना वैसे में तुक्कल देखिए, पर मुझे तुक्कल का डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगता है। मैंने देखा कि इवन फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, हर जगह उड़ती है पतंगे और तुक्कल ही उड़ाते हैं। तो प्रोबेबली लेकिन डिज़ाइन मतलब एकदम अलग है, क्योंकि हमने ये डिज़ाइन देखा जो अभी आप बना रहे हो नॉर्मल। यहाँ पे तो नॉर्मल डिज़ाइन है ना, लेकिन जो पाकिस्तान में ये जो सही में कारीगर है ना इसमें, ओके, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी मेहनत बहुत अच्छी है। क्या बात है। तो ये डिज़ाइन ये नहीं है कि हम अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन नहीं, जो उनकी कलाकारी है, कलाकार ही कलाकार को पहचानता है। तो आप कह रहे तुक्कल का डिज़ाइन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकल के आया था ये तुक्कल का डिज़ाइन? बिल्कुल, तो अभी भी निकलते हैं ये जो डिज़ाइन है, ये सभी पाकिस्तानी डिज़ाइन के ही कॉपी हुई हुई हैं। क्या बात है। तो दीपक भाई एक चीज़ पूछनी थी, तो जैसे हमारे में भी हम पतंगबाजी करते हैं, मतलब पेच लड़ते हैं यहाँ पे मैदान में लड़ते हैं, पतंगबाजी होती है वहाँ पे, होती है डोर के ऊपर, छतों पे। तो चलो अभी ये चाइना वगैरह चल रही है, हमें ये पसंद नहीं है चाइना, हम खुद उड़ाते हैं मैदान में जाके। ओके, तो मैदान में पतंगबाजी ऐसा होता है कि दो टीमें होती है, एक साइड ए बी टीमें होती हैं दोनों, राइट। एक पेज चलेगा, दो पतंगे मैदान में उतरेंगी, उनका फैसला होगा फिर दूसरा। तो यहाँ के पेज बड़ी पतंगों के जैसे तुक्कल ही लड़ती है यहाँ पे, तो तुक्कल के पेज होते कैसे? खींचतान की पेज होते हैं कि वो फसाने वाले पेज होते हैं? फसाने वाले पेज होते हैं वो। अच्छा, तो यहाँ पे मेन डोर का ज्यादा थोड़ा सा रहता है कि डोर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डोर मोटी उड़ाते हैं कि कैसे रहती है डोर यहाँ? डोर यहाँ पे 12 प्लाई की भी उड़ती है, 16 प्लाई की भी उड़ती है। 16 प्लाई बोलते 16 तार होगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम दीपक भैया से बात कर रहे थे, दीपक भैया ने बताया कि यहाँ पे जो पेच होते हैं, यहाँ भी पतंगबाजी होती है, यहाँ भी काइट फ्लाइंग होती है, और आपस में गेम होता है, और मोस्टली फर्स्ट के पेच लड़ते हैं। तो मैं उसी पे आ रहा था कि मोस्टली तुक्कल के गेम होते हैं, तो मुझे तुक्कल के एक पतंग जो देख रहे हैं आप, तो तुक्कल का डिज़ाइन समझना कि तुक्कल की पतंग उड़ती कैसे, और इसमें जो जैसे हमारी पतंगों को पता है कि हमारी पतंग ये जो आगे से पतला कमान ठंडा होता है, इसकी जो शेप होती है हवा काटती है, तो देख रहे हैं कि तुक्कल का क्या है, तुक्कल का लॉजिक क्या है, तुक्कल उड़ती कैसे है। तो थोड़ा तुक्कल के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए आज। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम यहाँ पे आप तुक्कल बोलते हैं, हम इसको पतंग बोलते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले इसको ये बनाना जितना टिपिकल है, उड़ाना भी उतना ही है। ओके, इसको क्या करते हैं हम, जब इसको आप तो ऐसे डालते हैं, ठीक है, ऐसे करा और छल्ला डाल दिया, हम ऐसे बराबर तनाव में डाल के, ढीली नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इस साइड पे, ठीक है, पूरी कस के साथ बांधना होता है, बिल्कुल यहाँ पे भी टाइट, बिल्कुल टाइट हो, उसको ऐसे करके यहाँ से बराबर खींचना है और यहाँ तक। ओके, जो इसका जो लंग होगी, गाठ होगी, वो इतनी लंबी आनी चाहिए, और बल्कि आधा इंच ऊपर, बल्कि मैंने देखा कि आपने जगह भी दे रखी है प्रॉपर, इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, एक इस साइड पे शेक होगा, एक साइड। अच्छा वीर जी, इसका जो कमान ऊपर ठंडा दिख रहा है, जैसे हमारे में दिखता नहीं है, जैसे इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हम यहाँ पे डालते हैं, पीछे डालते हैं, राइट। तो इसमें
ठंडा दिखता नहीं है, मतलब उसमें ठंडा भी दिख रहा है उसके अंदर, सामने ये भी दिख रहा है जैसे देख सकते हैं। ये आएगा, ये होती है मोड़ने के लिए, इसका मूवमेंट के लिए ये चीज होती है। ओके, तो इससे इसकी शेप बनती है, इसे चाल बनती है। जी जी जी, ये तो एक कमानी और एक ठड्डा लगता है ना। हाँ जी, इसके ऊपर क्या लगता है, ये तो प्लेन है ना, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये प्लेन है। राइट, बिल्कुल राइट। इसमें बांस नहीं लगा हुआ है, ये भी बांस, लेकिन ये लो क्वालिटी का बांस है। जो ये बांस है ना, ये देखिए इसमें होती है गांठ। अच्छा, ये गांठदार जो बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा इसको इसको ओरिजिनल बांस बोलते हैं, गांठ वाला। जैसे हमारे भी गांठदार पतंगे आती है, हम उसको मतलब गांठदार पतंगे बोलते हैं। वो आपके तावी में आती होंगी, ठीक है ना, पोनी में आती है, पोनी में आती है, उसको तावी की कमानी लगी होगी, वो छोटी कर लेते हैं, जो नरम होगी उसको काट देंगे। ये जो बांस है ना, ये होते हैं 65 और 70 फुट के बांस होते हैं ये, उसको हम पाड़ते हैं, उसकी एक एक कमानी निकालते हैं। अरे वाह, तो ये खुद करते हैं आप? बिल्कुल खुद करते हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसे बांस पड़े हो जो हम दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। इस पे लगती हैं 4 तीली, ये इसको बोलते हैं हम गज बोलते हैं, आप ठड्डा बोलते हो, हम इसको पतंग में जो बोलते हैं ना तुक्कल में गज बोलते हैं। ये ऊपर वाली साइड की जो कमानी होती है इसको बोलते हैं नर। क्या बात है। तो इसको जो नीचे वाली जो कमानी होती है इसको बोलते हैं मादा। ओके, ये आदमी है, ये औरत है एक हिसाब से। ओके ठीक है, ये होता है पेंदी। ओके, इसका रोल क्या होता है? इसको ये रोल होता है कि जैसे ये ऊपर वाली कमानी और ये दोनों कमानी नरम हो, ये थोड़ी टाइट होगी तो इसका वजन हवा में जाके ज़्यादा हो जाएगा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात। तो मतलब एक जो तुक्का जो पतंग में सब चेक करते हैं, इवन ऊपर का जो नर भी देखा जाता है, मादा का क्या मतलब, वो सब देखा जाता है कि कितना साइज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका बैलेंस भी देखा जाता है, ये अच्छी पतंग की एक क्वालिटी होती है। ये देखिए मैंने आपको लिफा के दिखाई है, ये देखिए। तो ये ऊपर से चेक करते हैं जो नीचे का रोल, नीचे का जैसे ये हमने देखा कि थोड़ा सा ठीक है, दरमियाना सा है, इसकी पेंदी चेक करेंगे। हाँ भाई, ये भी नॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा, ये ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, ये अगर दरमियानी है तो ये भी दरमियाना ही होना चाहिए। तो जो ये गज है ना, जिसको आप ठड्डा बोलते हैं, हम इसको गज बोलते हैं, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम बोलते हैं कि ये देखिए ना, ये ऐसे सी बनना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, क्योंकि ये हवा में जाएगी तो ऐसे ही मूवमेंट होगी इसकी। ये देखिए, ये मुड़ना होगा ना, तो इसको ऐसे मुड़ेगी, ये ऐसे बेंडिंग होगा तो फिर इधर लेगी, फिर इधर लेगी। और इस पतंगों का वेट भी रहता है इस सेक्टर में? इसका वेट, इसका वेट कम से कम 5 किलो, 5 किलो के ज़्यादा वजन हो जाता है इसका उड़ाने में। मैं इसमें अगर देखूँ कि 4 एक ठड्डा है, 3 कमानी है, 3 कमानी है, मतलब तुक्कल में एक ठड्डा और 3 कमानी का काम होता है। बहुत ही अल्टीमेट, ये नया इसका बैलेंस निकालना होता है। ये देखिए ना, ये दोनों तरफ सेंटर में गांठ है, यहाँ पे भी सेंटर में गांठ आनी चाहिए। अरे ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गांठ है, ये भी सेंटर में है, ये भी यहाँ पे भी सेंटर में है, और इस तरफ भी सेंटर में ही आनी चाहिए, ये बैलेंस होता है। तो ये इससे आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, अच्छी पतंग की पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीर जी, जो यहाँ पे पतंगे हैं उनकी स्टार्टिंग प्राइस क्या रहती है, मतलब यहाँ पे जो ये जो तुक्कल है इनके स्टार्टिंग प्राइस? इसकी स्टार्टिंग जो है हल्के में बच्चों के लिए आएगी 25 रुपीज़ की। ओके ठीक है, उसके ऊपर फिर आ जाएगी 40 रुपीज़। बहुत अच्छा बताया आपने कि मतलब एक कमा, मतलब एक खड्डा 3 कमानी है। अच्छा, नीचे पूछ का भी कोई रोल है इसके अंदर, जैसे हमारे पत्ते का रोल है? होता है। ओके, ये पतंग की चाल बनाती है, जैसे हमारे में पत्ते का चाल होता है कि पत्ता छोटा बड़ा। हाँ, इसकी जो पूंछ होती है काफी हैवी पूंछ होती है इसकी, और जो यहाँ की जो पतंगबाजी होती है ये देखिए काफी हैवी पूंछ होती है ये। राइट, तो इससे मतलब पत्ते का काम करती है ये भी? हाँ, ये इसको मूवमेंट अच्छी करती है, जैसे हम कहते हैं ना, मोड़ते हैं पतंग को इधर दाहिनी तरफ या बाईनी तरफ मोड़ते हैं जब हम, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। वीर जी, मैं एक आपसे बात पूछती थी, अब जैसे ये पतंग है, अच्छी पतंग बनी हुई है, तो इसकी कोई रेंज भी है लड़ने की कि इतने रेंज पे जाकर लड़ाने में फ़ायदा होगा? सर, इसमें मेरी बात सुनिए, आप गोट डेढ़ गोट में लड़ाएंगे कम से कम आधी रील में, ठीक है, जैसे आप बोलते हो 900 मीटर की रील होती है, ठीक है, 450 मीटर तक लड़ाएंगे, इसका वजन कुछ होगा। कंटिन्यू करते हैं, कुछ बता रहे थे आप पेज के बारे में कि आधी रील पे जाके जो आप बता रहे थे। मैं ये बता रहा था कि जैसे आधी रील चल जाती है इसका वजन थोड़ा कम होगा, जैसे जैसे ये आगे जाई जाएगी, कम से कम रील चली जाएगी, इसका वजन भी ज़्यादा होगा, ये हवा के साथ पूरी लड़ेगी। हवा तो जो वजन होता है ना, वो हवा ने बनाना होता है, जो जो हवा तेज होगी आगे आगे ये ऐसे बेंड होती जाएगी, इसका वजन बढ़ता जाएगा। जैसे नॉर्मल 12 प्लाई होगी वो टूट भी सकती है हमारी डोर,
जैसे ये 31-31 साइज है, वो जो साइज था वो चोर साइज था। ये छोटा साइज थे? ये छोटा साइज है, चोर साइज बोलते हैं इसको। ओके, तो जो टूर्नामेंट जो आपके मैदान का साइज यही होता है? मैदान का साइज स्टार्टिंग वहाँ से होता है। अच्छा, वहाँ से मतलब तय हो जाता है कि हम छोटा लड़ाएंगे या लड़ाएंगे? ना 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 ना, इसमें अच्छा। कोई ऑप्शन नहीं होती हमारे यहाँ। अच्छा, वही लड़ेगा मैदान में? अगर हमारे पास डोर मोटी है, हमारे में पकड़ने की क्षमता है, इसको वजन पकड़ने की क्षमता, हम ये भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, अगर वो उड़ा सकता है, हम ये उड़ा सकते हैं, उसमें कोई ऑप्शन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वो अपने ऊपर है कि हम इससे भी बड़ी वो अगला उड़ा सकता है, हमारे को कोई ऑप्शन नहीं। इससे तुक्कल बड़ी आती है? आती है, 4.25 भी आती है, 4.5 आती है, 5 गिट्ठी आती है। और उसका भी गेम होता है? उसका भी गेम होता है। तो आपके हिसाब से जो एक आपके जो मैदान में हम जाते हैं, जैसे हमारा एक तय है कि 1-2-3 की डोर उड़ती है, तो यहाँ पे कोई तय नहीं है कि बाहर ही उड़ा लो? यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, प्रीमियम धागे होते हैं। प्रीमियम धागे, ठीक है, पेंडा गोल्ड हो गया, कोर्ट्स हो गया, जो कंपनी के धागे हैं वो उड़ेंगे, और अच्छी ताकत वाले धागे होते, बल्कि ब्रीक धागे यहाँ पे नहीं चलते। नहीं चलते, वो उड़ेगा भी नहीं, मेरे को टूट जाएगी। चार तो इसमें बांस लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये टूट जाएगी हवा में जाकर। अगर हम 1-2-3 डालते हैं, आपके लिए वो आधी मझोली अद्धी के लिए ठीक है, 1-2-3 धागा, ज़्यादा से ज़्यादा पौने तक भी ठीक है वो। अच्छा, अब इसमें जो पेच होते हैं, इसमें भी होता है कि ऊपर नीचे का पेच लेना होता है, जैसे हमारे में? हाँ, वो आवाज़ होती है हमारे। अब आपकी भी होती है कि आप नीचे दो, हम ऊपर से लगाएंगे, ऊपर से, लेकिन पेच लड़ेगा, फंस के लड़ेगा। बिल्कुल, फैसला तुरंत फैसला भी होता है। तो आजकल में कोई गेम हम देखना चाहेंगे, कुछ बताइए आप? अगर आपको हो सकता है तो आप शाम को जा सकते हैं। आज शाम को नहीं, कल शाम को कुछ गेम बताइएगा, हम जाके देख आएंगे। कल में यहीं पे पूरा दिन? कल पूरा दिन हो, अगर कल सुबह हवा होगी तो आप ऐसा है, दुर्गियाना मंदिर है यहाँ पे, उसके बिल्कुल बैक साइड हवा पे होता है स्टेशन। जैसे आप स्टेशन से इधर आए थे ना आप? हाँ जी। स्टेशन के साथ ही लकड़े, लकड़ का टावल है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सुबह पतंग उड़ती है, शाम को भी उड़ती है। चलिए, मैं देख के जाऊँगा वहाँ पे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये हो गया अपना तुक्कल के बारे में, अब थोड़ा सा तो भैया खड़े हो गए थे, अब हम तुक्कल के बाद चलेंगे बड़ी पतंगों के ऊपर। तो भैया कोई बता रहे थे, भैया कहते हैं कमान झंडे इनके भी तुलसीपुर से या कोलकाता से ही आते हैं, और बड़े बड़े बांस आते हैं पूरे पूरे? नहीं नहीं नहीं, तुलसीपुर से जो आएगा हमारे आएगी वहाँ से 34.5, ठीक है, 42 और 52 साइजों के आएगा वहाँ से, तीन साइज आएंगे वहाँ पे हमारे को, जो यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं। क्या बात है, ठीक है, जो मझोली का अद्धी का है वो हम नहीं मंगाते। चलिए, हम सिर्फ पौनी से स्टार्ट होते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं बड़ी पतंगों के ऊपर, इन बड़ी पतंगों को क्या क्या कहाँ से मतलब रहा है इसको उड़ाने का, बनाने का? ये पाकिस्तान जैसे बताया, कॉपी पाकिस्तान? ये तो डिजाइनिंग है ना? हाँ जी, लेकिन जो फर्मे हैं वो तो सारे पंजाब के ही हैं ना यहाँ पे। हाँ, इनमें क्या है, इनमें भी बांस यूज होता है, बहुत बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ कि डब कमान ठंडे, मतलब इसमें भी गाड़दार बांस है यहाँ पे, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा फोकस करूँगा मैं, ये देखिए ध्यान से देखिए, हमने ये कमानी को सेका भी हुआ है, कि इसमें बांस में पानी होता है, उसको सकाते हैं हम आग के ऊपर जला के, और देखिए ना काला हुआ हुआ ना वहाँ से ऊपर कमानी। राइट राइट राइट। तो दोस्तों ऐसा है कि देखो यहाँ भी कमान ठंडे को सेका जाता है ताकि कमान ठंडे लंबे चले। अच्छा वीर जी, इनका भी कोई आपका भी सीन है कि जैसे यहाँ पे जो तुक्कल है पतंग बनने के बाद कुछ रखी उड़ानी होती है, 6 महीने बाद उड़ाओ जाए? इसको कुछ नहीं होगा, चाहे 2 साल रखी हो। नहीं नहीं, जैसे हमारे पास क्या होता है कि जब नई पतंग बन के आते हैं उसको रखते हैं 2-3 महीने फिर उड़ाते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि नई पतंग रख? हाँ, ऐसा होता है कि हमारे सिर्फ पौनी अच्छी अच्छी कारीगर की जो पौनी है ना, ओके, ये वाली, राइट राइट, इसको हम कम से कम 2 साल रख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये भी देखिए हम पौनी से भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमने पोनी को भी सेका हुआ कमानी को, ये देखिए प्रॉपर चलाई करी हुई है, छिली हुई कमान छटा जिसे हम बोलते हैं, छिली हुई, ये देखिए हम पूरा बैलेंस निकाल के फिर बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। तो यहाँ पे प्रॉपर कमान ठंडे पे काम किया जाता है, छिला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम वहाँ पे प्लेन मंगाते हैं ना कमानी, एक तो आती छिली हुई कमानी आती है, ठीक है, वो हम कम मंगाते हैं, यहाँ से ये होता है हम कलकत्ते से मंगा के खुद छिलाई करते हैं, और उसको फिर पहले सेकेंगे, उसकी तड़ चेक करेंगे, हाँ भाई क्यों उतनी है, जो नरम होगी वो हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन, एक तुक्कल बनाने में कितना टाइम लगता है आपको, मतलब जो ये पतंग है? एक तुक्कल बनाने को 1 घंटा लगता है। प्रॉपर अच्छी तुक्कल बनानी हो तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। और ये बड़ी पतंग जो दिख रही है, इतनी बड़ी पतंग है, ये कम से कम इसको 12 गुड्डे बनाने में कम से कम हमारे को डिजाइनिंग डालते डालते कम से कम कोई 6-7 घंटे। अरे बाप रे, 12 गुड्डे सिर्फ, ओनली 12 गुड्डे, बहुत ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो बहुत मेहनत बहुत है हमारे काम में, आप कह तो देते हैं। अब ये फिश देखिए, ये भी 3 तवे की फिश है,
तो ये सब ये शौक के लिए उठते हैं, मैदान का कोई लेने मैदान के ना, ना ये छत पे उठनी है लोहड़ी के दिन, लोहड़ी के जो अपना 13 तारीख को लोहड़ी, 13 तारीख को लोहड़ी आ रही है, हमारा त्यौहार होता है बाहर जो मंगनाते हैं मकर संक्रांति मंगनाते हैं, हमारे यहाँ पे लोहड़ी को उठती है। ये सारे पतंग बच्चे आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सब कुछ आते हैं, हर 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 कोई आता है शॉपिंग करने के लिए कि हमारे को ये मच्छी चाहिए, ये 3 तवा चाहिए, इसको बोलते हैं 1.5 तवा। ये देखिए ये बहुत प्यार डिजाइन देखा यहाँ पे, देखिए बहुत, ये देखे कटिंग करी हुई है, इसमें पतंग डाली हुई है, टुकड़ डाली है। ये क्या रेंज में है, इनके क्या प्राइस होते हैं? ये 40 रुपए पीस है, 40 रुपए पीस होता है। तो इसके लिए हवा भी चाहिए होती है यहाँ पे, हवा मतलब रहती है पंजाब में, इसका मतलब हवा अच्छी रहती है, हवा अच्छी हो तो शौक अच्छा हो जाता है हमारे यहाँ पे, हवा ना हो तो बच्चों का मन टूट जाता है, अंकल हवा नहीं है आज। ये अब इतनी बड़ी पतंग इनको हवा चाहिए होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा गुड्डो होता है कि इतने बड़े फर्मों का कहाँ से आया, इतने बड़े फर्मे कैसे शुरू हुए? फर्मे शुरू नहीं हुए, फर्मे खुद ही बन जाते हैं सेठ जी। अच्छा शौक था बड़े दे, यहाँ पे इतनी बड़ी पतंग पहले नहीं उड़ती थी, कोई ये होता था कि कोई कोई चंद थे लोग जो बनाते थे और उड़ाते थे, अब यहाँ पे ये हो गया कि नॉर्मल ये उड़नी शुरू हो गई सिर्फ चाइना की डोर की वजह से। क्या है कि 300 रुपये का गट्टू ले लिया, 350 का ले लिया, चलो जी उससे छोटी से लेके बड़ी पतंग तक नॉर्मल उड़ जाती है इतनी। अच्छा उस गट्टू से ये भी उड़ जाती है और 3 तवा उड़ जाता है नॉर्मल। अरे वाह। अगर हम ये 6x6 का उड़ाएंगे ना, बड़ी पतंग उड़ाएंगे, हाँ। तो कम से कम इसको हम 2 गट्टू लगाएंगे। अच्छा इस पे 2 गट्टू, एक पतंग ही यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर है, ये बड़ी पतंग है बहुत, देखिए। तो इसको 6x6 बोलते हैं, मतलब 6x6 बराबर की पतंग हो गई, 6 तवा बोलते हैं इसको। तो ये पतंग तो बहुत हवा मांगती होगी उड़ाने के लिए। नहीं नहीं ये सब ज्यादा तेज हवा होगी तो हार्ड कट जाएंगे, क्योंकि नीचे है ही प्लास्टिक। अच्छा तो ये कितनी हवा में उड़ जाती है? ये नॉर्मल हवा में उड़ जाती है, जैसे कोई होगा 6 का प्रेशर होगा हवा का, उसमें बढ़िया उड़ जाएगा, ज्यादा तेज हवा में उड़ाएंगे तो फिर हाथ तो कटेंगे। अच्छा, इनका भी कमांड सेट है वो इसी के होते हैं। ये सारा बांस का ही होता है, पूरा बांस का, पूरा बांस निकालना पड़ता है सारा, एक एक कमांडिंग खड्डा दोनों का बराबर निकालना पड़ता है। तो ये बनाने में टाइम लगता होगा इसको? ये तो भी टाइम लगता है सेठी, प्रॉपर मतलब इतनी बड़ी पतंग इसको बना पेपर कटिंग करके निकालते हैं अकेले। ये देखिए ना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रंग है, ठीक है ना, 6 रंग निकाल के इसकी पट्टी करनी सारी, काटना फिर डिजाइन डालना। फिर स्टार्ट करते हैं हम कुछ मांझे को लेके, कौन कौन से मांझे रहते हैं। तो भैया के हाथ पे ना एक गट्टू आया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भैया ये चाइनीस मांझा तो नहीं है? तो भैया दिखा रहे खोल के, ये चाइनीस मांझा नहीं है, ये धागा है जो इस तरीके से आता है, छोटे बच्चों के लिए आता है। तो मैं भी एक बार कंफ्यूज था कि यार प्लास्टिक मांझे को तो हम वैसे भी बिल्कुल वो करते हैं। ये देखिए धागा यहाँ पे, देखिए ये देखिए जी, ये हमारे यहाँ पे जो कढ़ाई का धागा होता है ना, हाँ जी, उसको इन्होंने क्या करा यहाँ पे मांझा लगा दिया ऊपर। ओके। हाँ बच्चों के लिए कि हाथ ना कटे, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं हमारे को गट्टू चाहिए गट्टू चाहिए, कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये चाइनीज डोर नहीं है, मांझा है, बल्कि धागा है, धागा है, धागा है। मैं भी दोस्तों कंफ्यूज हो गया था, तो भैया ने मेरी पहले दूर करी, खोल के दिखाया कि आप टेंशन मत लो कि हम चाइनीज नहीं बेचते हैं। तो भैया थैंक यू सो मच, मैं एक बार डर गया था कि चाइनीज मांझे को नहीं नहीं। तो यहाँ पे देखिए भैया मांझे लेके आए हैं, तो कौन कौन से मांझे आपको इस टाइम पे? जैसे हम ये उड़ाते हैं जो हमारे मैदान में उड़ते हैं, मैं आपको वो मांझा दिखाऊंगा। ये देखिए इसको बोलते हैं वर्धमान का 12 प्लाई। ये देखिए 12 कोड लिखा हुआ है, 8 नंबर धागा है, वर्धमान का चैलेंज का धागा बोलते हैं। चैलेंज का धागा हो गया। ये देखिए मैं आपको थोड़ा धागा दिखाऊंगा, ये मोटा धागा है पर शार्पनेस अच्छी दे रखी है इसके ऊपर। बिल्कुल कारीगर भी कहते हैं सर, हम अपना खुद जाकर लगवाते हैं। अरे वाह। उनके पास जाते हैं, अपनी मर्जी से लगवाते हैं, हमारे को ये चीज चाहिए कि हमारे को इसका टक अच्छा चाहिए, कि तुरंत फैसला होना चाहिए। ये देखिए ये डोर देखिए, ये देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे डोर का गेम ज्यादा होता है, कि डोर पे ज्यादा कि मैदान में बहुत अच्छा बहुत बढ़िया शौक होता है, अच्छी डोर चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जैसे हमारा क्या कि हम खेत तान के यहाँ पे होता है, डोर अच्छी होगी तो पेच अच्छा कटेगा, क्योंकि पतंग कहीं ना कहीं पतंग घूमती है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे मोटे धागे चलते हैं जिसकी ताकत ज्यादा होती है, वही काटे, हमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए धागे में। क्या बात है, क्या बात है। किस कारीगर का मान जाइए सर? ये जो है ये हुसैन अली का है। हुसैन अली। तो ये किस रेंज में आते हैं? ये सारा बरेली से आता है। और क्या क्या प्राइस स्टार्ट होता है, मतलब कोई अगर आइडिया मिल जाए प्राइसिंग का थोड़ा सा? ये 5 रील है, इसमें 5000 मीटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये आपको 1500-1300 रुपये रील पड़ती है यहाँ पे। ये 5 रील क्या है, ये 1500 रुपये की चरखी है। क्या बात है, क्या बात है। अब इसमें ये आएगा 9 प्लाई पेंडा गोल्ड का वर्धमान का। अच्छा क्या हुआ, देखिए पांडा 9 है ये। मैं सर ये देखिए ये लिखा हुआ है पेंडा गोल्ड, आर्टिकल है इसका
82 85 0 5 है, इसमें तारें होंगी आपकी, नो प्लाई का धागा होगा। ये सबसे बेहतरीन इनका आर्टिकल है वर्धमान कंपनी का। इनके तीन आर्टिकल हैं, 6 तार 9 तार 12 तार। जो 12 तार है इसकी 16 तार हवा में भी उड़ जाएगी। क्या बात, इतनी स्ट्रेंथ है। ये जो नो प्लाई है, ये बल्कि इसकी इतनी काट है ना धागे की, कोई कहने की बात ही नहीं है। बारीक डोर थोड़ा सा ज़्यादा काटती है, इसका मतलब मोटी डोर अगर देखा जाए तो। नहीं 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 है, ये भी ताकत इसकी भी अच्छी है। राइट, तेज हवा में ये भी, यहाँ पे ये जो 12 प्लाई वर्तमान की ये वाली उड़ती है ना, 8 नंबर वाली चैलेंज की, उसके उससे ज़्यादा ताकत है इसमें, 9 प्लाई में भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 12 प्लाई। ये 12 प्लाई है पेंडा गोल्ड की, ये देखिए दोस्तों, इसका आर्टिकल है 82 10। ये भी धागा बहुत ही बेहतरीन है, तो ये सिर्फ तुक्कल के लिए ही होता है, मैदान में उड़ते हैं ये धागे, सब मैदान में उड़ाते हैं जो आपका शौक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद भी यही धागा उड़ाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये सुल्तान भाई का लगा हुआ है, और जो 9 पेंडा गोल्ड का भी धागा है वो भी सारा सुल्तान भाई का लगा हुआ है। तो ये सब आपके बरेली से माल आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये 16 तार का है, 16 तार ये देखिए सुल्तान भाई। तो 16 तार की डोर मतलब बड़ी पतंग जो ये गुड्डे हो गए, ये मजबूती है, ये देखिए पकड़िए एक बार। अरे ये धागा देखिए ना, धागा पकड़ने में वो दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ये देखिए कितना मोटा धागा है, नो डाउट बहुत मोटा है, बहुत ये देखिए जान है इसके अंदर, नो डाउट। इसमें आप नॉर्मली इसके ऊपर नॉर्मली ये आप 3x3 का पतंग उड़ा सकते हो तेज हवा में भी, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे मेन धागे की स्टैंड पे ज्यादा दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब भी शौक होता है अच्छी हवा में ही शौक होता है। अगर हवा है देखा साइज के हिसाब से पतंगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हवा चाहिए चाहिए। अगर तो मिनिमम कितनी हवा पे आप देखते थे हमारे पास 10-11 की हवा, तो हम खुश हो जाते हैं। यहाँ पे 10-11 की हवा चाहिए होती है, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल ज्यादा हो जाएगी 10-11 में उड़ जाता है आराम से ये तुक्कल की पतंगे। हाँ 10 की हवा में उड़ जाए, 10 किलोमीटर की हवा में नॉर्मल ये उड़ता है, उड़ता है ये कम से कम ये 9 प्लाई और 12 प्लाई में भी उड़ जाएगा। चलिए अगर ज्यादा तेज होगी तो फिर टूट जाएगा। तो मोस्टली 9 तार 12 तार 16 तार यहाँ पे रहेगा रहेगा। 24 तार भी उड़ाते हैं? नहीं नहीं 24 तार नहीं उड़ाते, वो बड़ी पतंगों के लिए होता, बहुत बड़ी तारों के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पे दीपक भैया, जो हमें बता रहे थे कि पूरा बताया कि खुद पतंग बनाते भी हैं और 1971 से इनकी शॉप है। राइट भैया, बिल्कुल भैया। आपको कितना टाइम हो गया पतंग बनाने? मेरे को मेरी उम्र है अभी 42, ठीक है। मैंने काम सीखा था 22 साल की उम्र में, तो और 20 साल आपको भी हो गए हैं? बिल्कुल हो गए। और आपने अपने पापा से सीखा काम ये वाला? बिल्कुल पापा से। अंकल ने कहाँ से काम सीखा? कुछ पुराने कारीगर जो हिस्ट्री में पंजाब, जैसे हमारे वहाँ के जैसे अली नवाब साहब है, कुछ बड़े फेमस जी, तो जी पंजाब के ऐसे कारीगर जो नाम तुक्कल जो तुक्कल बनाते थे, वो 2 कारीगर बहुत अच्छे थे। एक थे ज्ञान, जिनका ज्ञानचंद नाम था, और एक था महेंद्र सिंह। तो अमृतसर के थे वो भी? वो भी अमृतसर के थे। जो महेंद्र सिंह थे वो तो जॉब भी करते थे सरकारी, रेलवे में लगे हुए थे। ओके। जो ज्ञान जी थे वो सिर्फ घर पे ही अपना काम करते थे। क्या बात है। तो ये आपको पूरा वर्ल्ड वाइड माल जाता है, मेरे को सुनने में आया है कि यहाँ से पंजाब से काफ़ी माल बाहर जाता है। बिल्कुल जाता है, हमारे यहाँ पे जैसे जम्मू सीजन होता है रखड़ी का, हमारे वहाँ पे भी माल जाता है, जम्मू में भी जाता है, दिल्ली में 15 अगस्त होती है तब भी माल जाता है हमारा। ये पतंगे दिल्ली में उड़ती है जाती है? हाँ तुक्कल जाती है, और लुधियाना में भी जाता है, फिरोजपुर में जैसे बसंत लगती है वहाँ पे भी जाता है, बठिंडे में लगती है बसंत वहाँ पे भी जाता है। बसंत आपका 5 फेब वाला जो हो गया, जो फेब में आता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जनवरी में भी है, अब तो फैब्रिक तो भूल ही जाओ ना, जनवरी में भी हो जाता, बल्कि मेरे ख्याल 3 लास्ट तरीकों में आ जाएगी मेरे ख्याल से बसंत। मैंने अभी कैलेंडर प्रॉपर देखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इतना आइडिया ही है, उसमें तो कोई है नहीं। अभी यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे उतरेगा ना फिर बसंत, तो वहाँ पे जितने भी कारीगर होंगे ना वो चले जाएंगे फिरोजपुर में। ओके, फिरोजपुर में जब ये फ्री होंगे तो फिर ये चले जाएंगे उधर रखड़ी पे जम्मू में। तो फिरोजपुर आपका पंजाब का ही पार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे बसंत पे काफ़ी छुड़ती है बहुत ज़्यादा। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे लोहड़ी लगती है ना वैसे वहाँ पे बसंत लगती है। अरे क्या बात है, कभी ट्राई करेंगे फिरोजपुर को भी, हम ट्राई करके आएंगे, पतंग उड़ा के आएंगे वहाँ पे। अच्छा भैया एक चीज़ छोटी सी पूछी थी कि अपना बाहर भी मैंने देखा तुक्कल उड़ाते हैं, तो वो अपने इंडिया से जा रही है कि पाकिस्तान से जाती है तुक्कल? जो आउट ऑफ कंट्री है ना वहाँ पे, जैसे कैनेडा में चौंक हो रहा है, वो सारी वहाँ से जा रही है, पाकिस्तान जा रही है जी, पाकिस्तान से ही सारा माल जाता है, मोस्ट ऑफ वहाँ से जा रहा है, इंडिया से? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया से जाती है, लेकिन वो यहाँ पे उनकी क्वालिटी, वहाँ पे हवा होती है 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर अच्छा, वो उनके साइज भी
कम से कम उनकी स्टार्टिंग जो है ना ये कुछ नहीं है। ओके, इससे बड़ा रहते हैं। इससे बड़ा कम से कम 5 गिट्ठी 4.5-5-6 गिट्ठी वहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या है, उनके पास डोरे होती हैं बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मैंने देखा हमारे पास तो ये 16 प्लाई है ना मैक्सिमम, उसके ऊपर ये हो जाएगी 32 प्लाई हो जाएगी, इतने इतने मोटे धागे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको एक तरफ से बांध कर दूसरी तरफ बांधने कपड़े सूखने डाल सकते हो। क्या बात है, इतने मोटे धागे होते हैं, वो एक दूसरे को धागे तोड़ते हैं वो। अच्छा, आपस में काटते हैं वो, मतलब नहीं तोड़ते हैं। तोड़ते हैं, पतंगे बड़ी होती हैं, चला सकते नहीं है क्योंकि हाथ छिल जाएंगे। वो एक दूसरे, जैसे हम पतंग मारते हैं ना एक नीचे से एक ऊपर से, ऐसे बाहर निकालते हैं तो वो सिर्फ धागा तोड़ते हैं। तो मतलब पतंग की जान, पतंग की दौड़ खींचते हो जिसकी दौड़ की और पतंग की जान निकल जाती है। अरे वाह। तो कुछ अपने यहाँ पंजाब की टीमें भी हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत टीमें, दिल्ली टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे ना। टूर्नामेंट होते थे, अभी 2 टूर्नामेंट हुए पीछे, एक हुआ था, दो ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए अभी। उसमें 2 जने थे जो आए थे, हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। ओके, पहली बार हुए हैं, 2 ही हुए हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं हुए। चलिए चलिए, अभी यहाँ पे नूडल सारा शौक होता है, रेगुलर होता है, जब हवा हो तो एक रंजीत एम नहीं होता है, एक यहाँ पे होता है किला सीतला मंदिर, दुर्गियाना मंदिर की बैक साइड, ठीक है, एक होता है भलाई के अंदर तरन तारण, वहाँ पे भी होता है। चलिए अब पंजाब आए तो थोड़ा देखेंगे, चांस मिले तो जाएंगे। हाँ, आप जाइए जरूर, सुबह होगा अगर हवा अच्छी होगी तो जरूर होगा। देखिए यहाँ पे सब कमान छड्डे रखे हुए हैं, सब आपने बाहर से मंगवा रखे सारे कमान छड्डे, ये ठीक है दोस्तों, ये बाहर से कमान छड्डे सारे वाले, ये सारी कमान वही तुलसीपुर से तुलसीपुर से। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू दीपक भैया के पास, थोड़ा सा मैं आपको शॉप का रिव्यू दूँ, कितना प्यार पे यहाँ पे पतंगे रखी हुई हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे रखी हुई हैं। मेन यहाँ का जो फोकस था कि बड़ी पतंगों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और थोड़ा सा यहाँ के लोग जो पसंद करते हैं बड़ी पतंगे तो पसंद करते हैं, बाकी आए हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, कुछ जानेंगे पंजाब की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सीखेंगे काइट के बारे में, कुछ सीखा हमने आज के बारे में। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, जल्दी मिलेंगे बहुत जल्दी आपको।